उम्दा है, उम्दा टेस्टी से ऊपर एक वर्ड होता है ना, वो उम्दा है। बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जरूर आइए गोलू के चूचू नान पे। और लॉकडाउन से पहले मेरा टिप कॉर्पोरेट में टिफिन का काम था, जो कि वो बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो फिर उसके बाद कुछ तो करना था। मुझे लगता है कि द्वारका जैसे जगह पे 50 रुपये में अगर 4 रोटी के साथ 2 सब्जी और सैलेड वगैरह मिल रहा है तो बहुत अच्छा रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तंदूरी जायका के फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम कहाँ हैं, आज हम आए एक ऐसी ऑथेंटिक जगह पे, यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही लजीज और जायकेदार छोले भटूरे। ये देखिए गोलू के स्पेशल पनीर छोले भटूरे, वो भी 40 रुपये में, सिर्फ 40 रुपये में यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन छोले भटूरे जिनका जायका बहुत ही अच्छा है। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे ये शॉप रिकमेंड करी है, तो चलिए देखते हैं यहाँ का जायका कैसा है। और ये देखिए ये है इनकी शॉप, ये देखिए ये इनकी शॉप है। काफ़ी सारे देखिए लोग आ रहे हैं छोले भटूरे का आनंद ले रहे हैं, और काफ़ी और भी सारी डिलीशियस डिशेज़ है जो यहाँ पे मिलती है, जैसे छोले भटूरे हो गए और नान हो गई, कुलचा हो गया, आलू नान हो गई, गोभी नान हो गई, तंदूरी रोटी हो गई, और काफ़ी सारी अलग वैरायटी की सब्जियाँ मिलती है जो कि बहुत अफोर्डेबल रेट से मिलती है। सो दोस्तों यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सेक्टर 12 मार्केट। ये देखिए ये सेक्टर 12 है, ये देखिए ये सेक्टर 12 चौक है। सेक्टर 12 के जस्ट ये देखिए ये सामने, ये देखिए ये सेक्टर 12 मार्केट है, जस्ट सामने ये देखिए इनका फूड स्टॉल है गोलू के स्पेशल पनीर वाले छोले भटूरे के नाम से। तो आप आइए यहाँ और जायके का आनंद ज़रूर लीजिए। सो देखिए दोस्तों ये है इनका फूड स्टॉल, ये देखिए ये फूड स्टॉल है, ये देखिए ये फूड स्टॉल है, ये देखिए देखिए दिखाना मुझे। अंकित, अंकित जी कितने टाइम से आ रहे हैं? लगभग लगभग जब से यहाँ पे काम कर रहे हैं 4 साल हो गए कम से कम। 4 साल तो आपको गए तो से? मैं भी इनको 3-4 महीने हो गए। अच्छा। इनकी शॉप है पीछे, बट अब आगे आ गए। अच्छा, तो छोले भटूरे क्यों पसंद है? छोले भटूरे हर एक बंदे की चॉइस होती है, मेरी छोले भटूरे चॉइस है। कैसा लगता, टेस्टी है, कैसा है, बताइए। उम्दा है, उम्दा टेस्टी से ऊपर एक वर्ड होता है ना, वो उम्दा है। और ज्यादा लो भी नहीं है, ठीक है, अच्छा है, अपने बजट के हिसाब से ओके है। आप बताइए। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बता दो कैसा लगा खाने में, कहता है अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। रवि सोनी है और मैं यहीं पे अपने बगल में ही, यहाँ पे जहाँ पे फूड का है यहीं बगल में जॉब करता हूँ, बैंक में हूँ। अच्छा। और मैं 2 महीने से यहाँ पे कंटिन्यू फूड के लिए आता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न यह है कि एक तो बेसिन का फूड अच्छा है। अच्छा। और ये हाइजीन मेंटेन करते हैं थोड़ा, तो इसलिए भी थोड़ा सा खाया जाता है। प्राइस बहुत ही उन्होंने बहुत ही मिनिमम से रखा हुआ है। अगर बात करें तो अगर इनका आप एक प्लेट भी लेते हो तो उसमें 4 रोटी देते हैं जो कि 50 रुपये में होता है, जो कि एक लोगों के लिए 2 लोगों के लिए अच्छा खासा ये इस प्राइस में बंदा अपना पेट तो भर ही सकता है। मुझे लगता है कि द्वारका जैसे जगह पे 50 रुपये में अगर 4 रोटी के साथ 2 सब्जी और सैलेड वगैरह मिल रहा है तो बहुत अच्छा रहे। तो बहुत अच्छा जी बिल्कुल। और आपका फेवरेट फूड क्या होगा? जी फेवरेट फूड की बात करें तो वैसे तो मैं बहुत ही फूडी हूँ, बट लंच की बात करते हैं तो हम अपना ये छोले भटूरे नान और इनका आलू नान बेसिकली में खाने तो आते हैं। फूड तो बहुत ही टेस्टी है यहाँ पे। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे 2 मंथ्स पहले ही आना स्टार्ट हुए थे, तो मतलब पहले सबसे पहले हमने यही देखा था कि मतलब इन्होंने एक थाली में मुझे लगा 2 रोटी दे रहे हैं, फिर उन्होंने 2 और दिए। मैंने कहा यार 4 रोटी इतनी ज़्यादा है और 50 रुपीज़ की सिर्फ थाली, तो मैंने कहा यार ऐसा लग रहा है ये लोग चैरिटी कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। फिर मुझे लगा कि चीप होगा तो फिर फूड अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब हमने फूड ट्राई किया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यहाँ पे, और छोले भटूरे काफ़ी टेस्टी है इनके और फेमस भी है काफ़ी ज़्यादा। बहुत बहुत अच्छे से ये लोग मेंटेन करते हैं। आपका फेवरेट
मेरा फेवरेट तो यहाँ पे राजमा चावल है। कुल यहाँ पे जरूर आइए गोलू के चूचू नान पे। थैंक यू। सर मेरे को एक साल हो गया यहाँ करते हुए। हाँ। और लॉकडाउन से पहले मेरा कॉर्पोरेट में टिफिन का काम था। ओके। जो कि वो बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। अच्छा। तो फिर उसके बाद कुछ तो करना था। अच्छा। तो उसके बाद ये स्टार्ट किया सेटअप। तो अभी इसलिए यहाँ एक साल हो गया मेरे को, एक साल से कर रहे हैं। और यहाँ हमारा सबसे बेस्ट है छोले भटूरे। छोले भटूरे के हमारे 40 रुपीज़ हैं। नान हमारा 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का है और बहुत रीज़नेबल रेट्स पे हैं और लॉट्स ऑफ वैरायटी हैं। तो एक बार आप बाकी हमारे कस्टमर हैं उनसे फीडबैक लें, वो आपको जेन्युइन फीडबैक देंगे हमारे यहाँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जायका। ये देखिए मैंने मास्क उतार लिया है, हैंड भी मैंने सैनिटाइज कर लिए है ऑलमोस्ट। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी कम है यहाँ पे, तो बिकॉज देखिए स्ट्रीट फूड अगर आप लवर्स है तो सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। ये देखिए ये है छोले भटूरे। प्रेजेंटेशन ऑफ फूड काफ़ी अच्छा है, थर्माकोल उन्होंने यूज़ किया गया, डिस्पोजेबल देखिए यूज़ किया गया, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। जो भटूरे की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। भटूरे फुल गए थे क्योंकि थोड़ा सा टाइम मुझे लगा रिव्यू करने में, तो इसलिए थोड़े भटूरे डल हो गए हैं बट हॉट है। ये देखिए साथ में इन्होंने मुझे सब्ज़ी दी है, ये देखिए ये सब्ज़ी दी है, साथ में आलू की सब्ज़ी है और ये छोले है और कुछ सैलड है। तो चलिए देखते हैं जायका कैसा है। सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट। बहुत बढ़िया जायका है। स्पाइसी है छोले बट काफ़ी अच्छा जायका आ रहा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। मसालों का टेस्ट आ रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें मसाले डाले गए हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। क्वालिटी ऑफ भटूरा वेरी गुड, बहुत सॉफ्ट है। ज़्यादातर हमें भटूरों में ऑयल नज़र आता है पर ये देखिए इसमें इनके भटूरे में ऑयल ज़्यादा नहीं है। और जो क्वालिटी ऑफ ऑयल है जो यूज़ करते हैं वो फॉर्च्यून ऑयल यूज़ करते हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल माना जाता है। सब्ज़ी के साथ देखते हैं जायका कैसा है। आलू के साथ जो मैंने इसको जो भटूरों को मैंने आलू के साथ जो चखा है काफ़ी अच्छा है। आलू स्पाइसी नहीं है बट मसाले अलग आ रहे हैं, मसालों का टेस्ट काफ़ी अलग आ रहा है। छोलों का जो टेस्ट है वो काफ़ी अलग था बट वेरी ऑथेंटिक, वेरी डिलीशियस। तो दोस्तों फूड मैंने रिव्यू कर लिया है, मुझे काफ़ी अच्छा फूड लगा। आप लोग भी यहाँ आइए, जायके का आनंद ज़रूर लीजिए और अपने सजेशन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपडेट कीजिए। दोस्तों एक अच्छा फूड स्टॉल, एक अच्छा फूड रिव्यू दिखाना ही हमारे इस चैनल का मेन मकसद है और मेन मोटो है। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहिए। आज के इस सफ़र को हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नए सफर में एक नए जायके के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।